हल हल हाँ जी सज्जनों, मैं तो भैया आपसे आराधना प्रार्थना गुजारिश करूंगी क्या जिस तरीके शांति बना दी आ रहे हैं, कृपया उसी तरीके शांति बना रखिए और चिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहे। देखिए सज्जनों, आपकी बस्ती में पहली बार आई हूं, आपकी ही बच्ची हूं, आपके आंगन की, लेकिन सभी के लिए सबदा ठाकुर की तरफ से प्यार भरी नमामि नमस्कार राम जी। लेकिन सज्जनों, कवि ने कलम उठाई और क्या लिखा सुनिएगा। छोड़कर गई थी
हां सज्जनों, आज रानी गंगा ने पहले पुत्र को गंगा में बहा दिया, लेकिन इसी तरह श्री रानी गंगा ने सात पुत्रों को बहा दिया। जैसे ही रानी गंगा आठवें पुत्र को बहाने चलते हैं तो राजा शांतनु हाथ पकड़ लेते हैं, कह रही रानी गंगा ये क्या कर रही हो। लेकिन सुनिएगा बारह मासी में क्या कहने लगे, और ये हाय हाय डकिरा और बहने लगो पानी, अरे दाहिन तू बधकारी रही ना अब मेरी रानी, बाबूजी सी का। लेकिन कहा और ये 51 रुपए,
लेकिन सुनिएगा, आज रानी गंगा उड़ान में क्या कहने लगी भैया। दादा पापा मामा गा करे रे सासा, एक दो तीन।
समय का भाव अभाव तो ना गीत का अभाव कछु ना क्यों ज्यादा टाइम रहो ज्यादा टाइम गानों का देखो अच्छा ठीक है तू तो गाओगे तो आइए अब सुनिएगा छोटा सा गाना हाँ ये 50 रुपए भाई सुजान और गाना भी कहाँ से इस बच्ची को देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और गाना भी कहाँ से आज करण में अर्जुन में युद्ध हो रहा है आज करण कहता है अर्जुन तू अपने आप को बड़ा मास्टर समझता है तेरे को बहुत बड़ा घमंड है कि मेरी बराबर कोई योद्धा नहीं है लेकिन मेरी नजर में तेरी क्या औकात है सुनिएगा क्या कहा भैया धर्मवीर लेकिन बम्बई वाला ने निकाला था सुनिएगा जय श्री राधे।